हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ मेबेलिन फिट मी फ्रेश टिंट का रिव्यू। हम इसमें डिस्कस करेंगे इसकी प्राइस, बेनिफिट्स और लास्ट में मैं आपको इसका स्वैच भी चेक करवा दूंगी। सो बेसिकली इट इज़ टू इन वन प्रोडक्ट, स्किन टिंट कह सकते हैं हम इसको। 30 ml की ये बॉटल है जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम कहें तो 20-90 rupees की आपको ऑफिशियल स्टोर से मिल जाएगी। अगर आप कुछ ऑफ लेना चाहते हैं तो दराज पे लाइक 1700 तक की मिलेगी, बट आपको फिर अपना शेड एक्यूरेट पता होना चाहिए कि येस इट इज़ माई शेड एंड गो फॉर दैट। सो अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें तो कुछ बेनिफिट्स जो इन्होंने बताए हुए हैं, एक तो ये कि आपको सन प्रोटेक्शन देती है क्योंकि इसके अंदर 50 SPF है, बट साथ इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि UVB rays जो होती हैं ये उनसे प्रोटेक्ट करती है, UVA rays से प्रोटेक्शन नहीं करती। नंबर टू पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें विटामिन सी है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट वन इज़ नॉन कोमेडोजेनिक है। फोर्थ पे कहते हैं कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा वेटेड नहीं है ये बेस, या आप इसको टिंट कह लें। अच्छा, मुझे जो इसकी अच्छी बात लगी, इसमें फ्रेगरेंस बहुत कम है। इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि ये फ्रेगरेंस फ्री है। इसके अंदर हल्की सी किसी केमिकल की स्मेल है, खुशबू जो प्रॉपर खुशबू होती है वो नहीं है। और दूसरा, आपने इसकी बॉटल का जो लिड है उसको खींच के नहीं उतारना, बल्कि आप उसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो बॉटल ओपन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये क्लेम करते हैं कि डार्क स्पॉट्स को मिनिमाइज करता है ये, और ब्रीदेबल है ये सारे दिन के लिए। आप इसको अप्लाई कर लें, आपको एक्नी पॉप आउट नहीं होगी। जाहिर है हम जब बेस वगैरह अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर एक हैवी लेयर आ जाती है जिसकी वजह से एक्नी पॉप आउट करना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो मैं अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने ऐड किए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइट उनका टेक्सचर या बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड किए हुए हैं। इस वजह से ये आपको ये जो फिल्टर्स हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं UVB rays से, नॉट विद UVA rays। अच्छा, अब मैं आपको इसके बाद जो है इसका मैं आपको अगर स्वैच करके दिखाऊं कि मैंने कौन सा कलर लिया था और मेरी स्किन के लिए कौन सा सही रहेगा, क्योंकि ये तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और मुझे लग रहा था कि ये वाला नंबर वन जो है वो मेरे साथ चला जाएगा। नंबर टू मैंने किसी स्टोर पे देखा था पड़ा हुआ और वहाँ पे स्वैच भी करवाया था, बट वो भी मेरे साथ मैच नहीं था। अनफॉर्चुनेटली उनके पास वन नहीं था तो मैं ट्राई नहीं कर सकी। सो मैंने फिर जो था नंबर वन ही ले लिया, लेकिन इसको जब मैंने ट्राई किया तो मुझे फील हुआ कि इसके अंदर पिंक टेंट या पिंकिश सा कोई इन्होंने कलर ऐड किया हुआ है जो कि फेयर टोन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। सो आई विल गो फॉर 3 or maybe 5। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो मैच हो आपको वही कलर परचेज करना चाहिए। अपने से लाइट कलर लेंगे या आप लोग अगर येलो टोन हैं तो अगर पिंक टोन आप अप्लाई करेंगे तो वो आपकी स्किन को ग्रे कर देगी। सो मैं आपको इसका स्वैच दिखाती हूँ कि ये कितना जो है वो इसका टेक्सचर कवरेज क्या देती है, आपको ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको स्वैच करूँगी उसके बाद ही पता चल सकेगा आपको। बहुत ज़्यादा आपको ये कवरेज फ्राहम नहीं करती, हल्की सी कवरेज। अगर आप कोई ऐसा मॉइस्चराइजर टाइप आप बेस अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं कहूँगी कि ये ठीक है, सुबह में आप यूज़ करें, बट इसके साथ आपको अलग से सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये इसमें SPF 50 है तो आपको सन प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसके साथ अलग से आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो इसके बाद पाउडर भी अप्लाई करें तो आपकी स्किन को एक अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा। बट अगर आप लोग ड्राई स्किन वाले लोग हैं तो इसके नीचे आप लोग थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा लिया करें ताकि आपकी स्किन पे ये अच्छे से बैठ जाए। आई होप यू लाइक द वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।